सो है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक कम में। तो गाइस, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जैसे कि प्राइवेट सेफ में से फोटो रिकवर कैसे करें, डिलीट हो गए या फोटो वापस कैसे लाए। तो गाइस, उस वीडियो में आपकी काफ़ी सारी अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। गाइस, साथ ही साथ आपका बहुत सारा कॉमेंट भी आया था, जैसे कि भाई फोटो तो रिकवर हो गए लेकिन उसका क्लियरिटी बराबर नहीं आता, फोटो एकदम ब्लर टाइप का दिख रहा है और फोटो एकदम धुंधला दिख रहा है, तो बराबर फोटो की क्लियरिटी नहीं आ रही, तो मेरे को कुछ उसका सॉल्यूशन बताओ, ऐसा बहुत कमेंट भी आया था। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम भी मेरे को बहुत जन ने किया था, तो मेरे को लगा कि आज मैं वीडियो बना ही देता हूँ, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखो। अगर गाइस हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा रियलमी के बारे में ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो गाइस, उसमें तो बहुत सारे जन का तो फोटो रिकवर हो भी गया और कुछ कुछ लोग का फोटो रिकवर नहीं हुआ है। तो गाइस, जिनका फोटो रिकवर नहीं हुआ तो मेरे को इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बता दो, उसके ऊपर एक मैं डेडिकेट दूसरा भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तो अभी मैं बता देता हूँ ये सब चीज़ कैसे करनी है। तो चलो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, तो एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बता दूंगा और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, अपने फोटो को क्लियर कैसे करना है अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन खुलेगा, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में आप डाउनलोड करोगे तो कुछ परमिशन देनी पड़ती है। तो गाइस, आपको कुछ परमिशन देने वगैरह कुछ लॉगिंग करने का नहीं आता रहेगा, तो मेरे को इस वीडियो पे कमेंट करके बता। तो गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इधर क्लिक कर देना, देखो इनहेंस पे क्लिक कर देना फर्स्ट वाले ऑप्शन के, लेकिन इधर बहुत सारे इधर ऑप्शन है देखो। तो गाइस, जैसे कि वीडियो को भी आप इनहेंस कर सकते हो, जैसे कि वीडियो को अभी क्वालिटी कुछ खराब रहती है तो उसको भी आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप उनको अभी फोटो का करना है। इधर बहुत सारा ऑप्शन है, आप किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। इधर इनहेंस पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ मैं, वापस इस तरीके से इंटरफेस आपके पास देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपके पास फोटो देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी फोटो को आपको क्लियरिटी साफ करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना, जो भी फोटो। मैं अभी इस फोटो को क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, इस तरीके से फोटो अपना शो होएगा, लेकिन अब उनको थोड़ा बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। इधर राइट ऊपर क्लिक कर देना रेड वाले ऑप्शन पे। तो गाइस, अभी देखो अभी थोड़ा बहुत इधर टाइम लेगा, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में सब बता दूंगा कि कैसे साफ़ करना है अब उनके क्लियरिटी और अब उनका फ़ोटो को कैसे साफ़ करना है। तो गाइस, उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कुछ प्रोसेस होने देनी चाहिए तभी आपका फोटो कुछ क्लियर दिखने को मिलेगा आपको, लेकिन अभी मेरा थोड़ा बहुत वेट कर लेता हूँ मैं भी। तो गाइस, अभी मैं अपने फ़ोटो को क्लियरिटी में आपको बता देता हूँ कितना अच्छा हो गया अपने फ़ोटो की क्लियरिटी। तो गाइस, अपना फोटो क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से आपके पास देखने को मिलेगा। देखो अभी इस साइड अपन देखेंगे तो मेरा फोटो कैसे दिख रहा है, अभी देखो इधर इस वाले फोटो पे, इस वाले साइड पे अब उनका क्लियर दिख रहा है, इस साइड पे धुंधला दिख रहा है। इधर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि फोटो पे क्लिक कर देता हूँ, वापस इस तरीके से आपको कुछ लोडिंग लेगा थोड़ा बहुत, तो अभी मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ कि कैसा अब उनका होता है। तो गाइस, अभी देख सकते हो आप एक साइड मेरा कितना है और एक साइड कितना है। तो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं साइड में और भी लेके खींच के जाता हूँ तो मेरा पूरा फोटो क्लियर हो जाएगा, और वापस इधर लेगा तो मेरा फोटो पहले जैसा था ऐसा होएगा। तो गाइस, अभी मैं क्लियर रखता हूँ, इसलिए मेरे को अभी क्लियर रखना है, इसके ऊपर वापस क्लिक कर देना है। वापस उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब उनको थोड़ा बहुत वेट करना रहेगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो, देखो अभी मेरा नीचे वाला फोटो है वो अभी मेरा क्लियर किया हुआ है वो है, और गाइस ऊपर वाला फोटो मेरा था वो अभी मैं ऊपर वाला फोटो था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। अभी देखो इधर वापस करेगा तो मेरा ऊपर वाला फ़ोटो था वो आ गया, और वापस ये मेरा फ़ोटो नीचे वाला, लेकिन अभी मैंने क्लियर किया वो फ़ोटो है। तो गाइस, अब उनको फ़ोटो को सेव करना रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो सेव कैसे करना है। तो गाइस, इसके ऊपर क्लिक कर देना, देखो इधर सेव वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अपने पास फ़ोटो सेव हो जाएगा। अभी देखो इधर सेवड हो गए। तो गाइस, आपको आफ्टर पे रख कर और सेव कर देना है फ़ोटो, तो गाइस अपना फोटो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, ये सब कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है। गाइस, सिंपली अभी मैं बैक आ गया हूँ, बैक आ जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पे क्लिक कर देना है, प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल पे सर्च मारना है। तो गाइस, ऐसा कुछ प्ले स्टोर पे लिखना है रेमिनी। तो गाइस, रेमिनी लिखने के बाद फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको आप उनको डाउनलोड करना है। तो गाइस, इस तरीके से आपके पास डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता है। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे वीडियो पे कमेंट कर दो।